ओके भाई लोग, तो आप लोगों की डिमांड पे मतलब एक कमेंट बड़ा ही हाईलाइट हो रहा था। मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था जब मैंने चंगेज का टीजर देखा था और उसके बारे में हम जब बात कर रहे थे तो ऐसे ही बोल दिया था कि मुझे अभी पता चला रावण का एक जो मुझे पोस्टर दिखा था जो दशहरे के टाइम पर रिलीज हुआ था, बड़ा ही मुझे अट्रैक्टिव लगा था। मैंने सोचा शायद से इसकी चर्चाएँ आगे होंगी, लेकिन उतनी चर्चाएँ हुई नहीं। फिर मैंने जब अभी चंगेज के टीजर का हाल देखा और चंगेज का टीजर देखा, लोगों में पागलपन देखा, तब मुझे पता चला कि बंगाली मूवी हो, बंगाली ये जो सुपरस्टार हैं जीत दा, उनकी और भी ऐसी न जाने कितनी मास्टरपीस मूवी हैं। तो उनमें मुझे एक रावण का देखा जो अभी रिसेंटली इससे पहले आ चुकी है, तो ऐसे ही मैं नॉर्मली बोल दिया। लोगों ने तो झड़ी लगा दी, यार उसका रावण का ट्रेलर देखो, रावण का ट्रेलर का रिएक्शन दो, रावण मूवी का रिएक्शन दो, रावण का रिव्यू करो। तो फाइनली अभी रावण का ट्रेलर देखने वाले हैं हम, और मैंने नहीं देखा अभी तक, मैंने एक भी बार ट्रेलर नहीं देखा। अभी मैं फ्रेश देखूंगा आप सब लोगों के सामने और उसके बाद बात करूंगा। तो पहले ट्रेलर शुरू करते हैं, मैं शुरू कर लेता हूँ ट्रेलर, फिर उसके बाद बात करेंगे। 1 2 3 নমস্কার, নমস্কার। রাবণরা মরে না, সেটা জেনেও প্রতি বছর তাদেরকে পোড়ানো হয়, তবুও রাবণ মরে না। আমি রাম মুখার্জি, প্রফেসর। জার্নালিজমে এসে তোমার কোন জিনিসটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট মনে হয়? অনেস্টি। রং জাজমেন্টাল হওয়াটা ভুল। কাম, আই ড্রপ ইউ। থ্যাঙ্কস বাট নো থ্যাঙ্কস। এ কি, তুমি নামলে কেন? তুমি গাড়িতে যাবে না, ফাইন, বাট আমি তো অটোতে যেতে পারি। তুমি প্রেম করছো? টিচার স্টুডেন্টের সঙ্গে প্রেম করবে? শোনো, আমার ফার্স্ট লাভ, আমি সব সময় চেয়েছি সে আমাকে প্রপোজ করবে। তোমাকে বলতে হবে কিন্তু। ইউ আর মাই লাভ, ইউ আর মাই লাভ। অ্যাশটিন কি আওয়াজ এটা? কলিযুগ ইন্সপেক্টর, এখানে ক্রাইম করতে মানুষ এবিএস নয়, না তাই তাদেরকে দমন করার জন্য রাম নয়, রাবণের দরকার। খুঁজে বের করতে হবে এই রাবণ কে। ওম ভূর্ভুবঃস্বঃ। কোন সুগ্রীব তোমার সাহায্য করবে ওই রাবণ অবধি পৌঁছতে? প্রফেসর রাম মুখার্জি। আর আজ রাম নবমীর দিন আমি আপনাকে পড়াবো। কিছু একটা হচ্ছে যেটা ঠিক না। সারে জাহান সে আচ্ছা হিন্দুস্তান হামারা, আর পুলিশ ডিপার্টমেন্টে নাকি জাহানের থেকে ভালো আর কেউ নেই। ইয়োর টাইম স্টার্টস নাও জাহান। কে রাম হবে কে রাবণ হবে সেটা আমরা ঠিক করব। একি, আপনি তো ছড়িয়ে দিলেন। রাবণ ক্ষমা করে দিতে শুরু করলে রামায়ণ আবার নতুন করে লিখতে হবে। अच्छा लगा मुझे, काफ़ी अच्छा लगा। 5-6 करोड़ इस मूवी का बजट है, जैसा कि मैंने अभी सर्च किया इसके बारे में, तो 8-10 करोड़ इसका कलेक्शन ओवरऑल है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। और 5-6 करोड़ के बजट में एक डिसेंट फिल्म हमारे सामने ये बना कर रखी है। अब देखना पड़ेगा यार, हिंदी में है अवेलेबल तो मैं इसको देख पाऊँगा, अदरवाइज़ तो मैंने ये ट्रेलर देख के जो मुझे समझ में आया, काफ़ी अच्छी वाइब्स ये ट्रेलर दे रहा है। मतलब सारा कुछ इसमें एक्शन है, रोमांस है, मास मसाला सारा कुछ देखने को मिल रहा है। मतलब कई सारे ग्लिम्पसेस ऐसे हैं कि
मैं सोच में पड़ गया। गाना मैं सुन के यार, मतलब मुझे सिर्फ एक ही चीज़ लग रही है कि इन सब से मैं कहाँ अछूता था यार, मतलब मुझे बिल्कुल ही नहीं पता था। जबकि बंगाली इंडस्ट्री या बंगाली लोग या बंगाली जो क्षेत्र है, काफ़ी मेरा अटैचमेंट है। देखो मुझे खाने में भी रसगुल्ले पसंद है, लिटरली मैं बताऊँ। और मेरी एक फ्रेंड थी बहुत पहले बंगाली, तो उससे मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया सीखने का बंगाली वगैरह। बहुत अच्छी लैंग्वेज मुझे लगती है, काफ़ी है मेरे एक दो सर्कल में भी, दूर दूर तक लोग हैं, तो वो सारी चीज़ें। और मैं ये चीज़ भूल गया कि ये जितने भी मज़े मजाए, बहुत सारे ऐसे नाम बॉलीवुड में हैं जो बंगाल से आते हैं। ऐश किंग की वो मुझे आवाज़ लगी, मैं और सर्च करके देखूंगा, ऐश किंग की है आवाज़। अरिजीत सिंह भी वहीं से आते हैं, और भी ऐसे न जाने कितने। अभी सनंग में रिसेंटली जो एक्ट्रेस आई थी, एक्ट्रेस की तो हम बात ही करना भूल गए यार। एक्ट्रेस तो मतलब यार इतनी बला की खूबसूरत होती हैं, इतनी बला की खूबसूरत होती हैं। इसमें भी एक जो इनका नाम शायद से तनुश्री है, जहाँ तक मुझे पता है, इनको मैंने देखा है कहीं पर। इससे पहले सनक में एक एक्ट्रेस आई थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो एक्ट्रेस, एक्टर की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन एक्ट्रेस का कहीं ना कहीं हम भूल गए। ओवरऑल मुझे बहुत सही लगा ट्रेलर, और यही था मेरा रिएक्शन ट्रेलर के लिए। बाकी रिव्यू का थोड़ा वेट करना, हो सकता है रिव्यू थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, तो वेट करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जैसे भी जो भी आएगा, सब आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द और किसी नई वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।